वेलकम बैक टू दी चैनल एंड हैप्पी संडे। तो आज के संडे स्पेशल कुकिंग ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बांगड़ा मसाला करी। ये बांगड़ा मसाला फिश करी 10 से 15 मिनट में बन जाती है, बहुत कम चीजें लगती है इसे बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं फिश को नमक और हल्दी के साथ मैरिनेट कर लेती हूँ और बाद में हम इसे फ्राई करेंगे, तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। कुकिंग ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बाजू के बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बांगड़ा मसाला करी। यहाँ पर मेरे पास बांगड़ा फिश है, इसके मैंने दो दो पीसेस कर लिए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एग है। तो सबसे पहले मैं इसे मैरिनेट कर लेती हूँ। इस पर मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और ये है थोड़ा सा हींग। अब मैं इसे अच्छे से फिश को लगा लेती हूँ। ये देखिए नमक और हल्दी के साथ मैंने इसे अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए साइड में रख देती हूँ और बाद में मैं इसे तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। मैंने कढ़ाई में 4-5 चम्मच तेल डाला है। अब हम सबसे पहले फिश को 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। स्टार्टिंग में फिश को फ्राई जरूर करें क्योंकि फिश का जो फ्लेवर तेल में उतरता है उसकी वजह से हमारी ग्रेवी को बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो ये स्टेप जरूर करना। अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने आधा चम्मच हल्दी ली है, 1/4 चम्मच हींग लिया है। यह है फिश करी मसाला। आप इसकी जगह मटन मसाला या फिर चिकन मसाला भी यूज कर सकते हैं। और यह है कांदा लहसुन मसाला, ये तीखा होता है, इसमें मिर्च और गरम मसाले दोनों होते हैं, तो ये मैंने लिया है 2 चम्मच। अब ये मसाले मैं तेल में डाल दूंगी। यह है 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। और यह है 1 बड़े साइज के टोमेटो का पेस्ट। टोमेटो का कच्चापन निकलने तक हमें इसे फ्राई करना है। अब मैं इसमें ये कोकम ऐड कर देती हूँ। आपको जितना खट्टापन चाहिए उतने कोकम आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने बस 2 ही किए हैं। आप कोकम की जगह नींबू या फिर इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसमें हमारे फिश ऐड कर देती हूँ। और
अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। ये वही कटोरी है जिसमें मैंने टमाटर की पेस्ट रखी थी। और अब मैं इसमें आधा चम्मच नमक ऐड कर देती हूँ। मछली को मैरिनेट करते टाइम हमने आधा चम्मच नमक ऐड किया था, इसलिए अभी मैं आधा ही चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। अब हमें इसे हिलाना नहीं है, 5 मिनट में ये करी बनके तैयार हो जाएगी। क्योंकि मछली को हमने फ्राई किया था तब वो आधी पक चुकी थी, अब बस हमें इसे 5 मिनट और पकाना है। पांच मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारा बांगड़ा मसाला रेडी है। मैं इस करी को इतना पतला रखूंगी क्योंकि मैं ये राइस के साथ लेने वाली हूँ। तो अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और ये खाने के लिए रेडी है। देखिए खाना मैंने प्लेट में निकाल लिया है। ये बांगड़ा मसाला करी बहुत टेस्टी बनी है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये कुकिंग ब्लॉग कैसा लगा। अगर कुकिंग ब्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो फिर मिलेंगे अगले कुकिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो बाय बाय।